इमली के आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि इमली अगस्त्य से बात करना चाहती है आशु के बारे में, लेकिन कोई उसे अगस्त्य से मिलने नहीं दे रहा है। सब बोल रहे हैं कि शादी से पहले उन्हें नहीं मिलना है। आगे आप देखेंगे कि अगस्त्य किसी तरह इमली से मिलने का रास्ता निकाल लेता है, लेकिन इमली पर्दे के पीछे चली जाती है और बोलती है कि ऐसे हम मिल भी लेंगे और ट्रेडिशन भी फॉलो कर लेंगे। अगस्त्य इमली को बोलता है कि मेरे साथ रहते रहते तुम भी स्मार्ट हो गई हो। तो इमली अगस्त्य से बोलती है कि उसने अपनी लाइफ का एक सच छुपाया है उसे। इमली अगस्त्य को आशु के बारे में बताती है और बोलती है कि आशु उसका पहला प्यार है। तो अगस्त्य पूछता है कि फिर वो कौन है। तो इमली बोलती है कि दोनों से वो डिफरेंटली प्यार करती है। तो अगस्त्य बोलता है कि वो बता देगा कि इमली सिर्फ अगस्त्य की ही है। फिर इमली अगस्त्य को बताती है कि आशु उसकी बहन का बेटा है जो कि 7 साल का। इमली अगस्त्य को बताती है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी आशु के ट्रीटमेंट के लिए ही की थी। अगस्त्य सोचता है कि उसके स्पेशल डे पे वो आशु को घर ले आएगा और इमली को सरप्राइज़ दे। आगे आप देखेंगे कि अगस्त्य आशु को घर ले आता है। अगस्त्य बोलता है कि इमली आज हमारी शादी है और इसलिए आशु को घर लेके आए हैं और आशु हमारी खुशियों में रंग भर देगा। आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि इमली अगस्त्य को कॉल करती है और बोलती है कि बाबू तुम घर वापस आ जाओ, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो अगस्त्य बोलता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमारा प्यार बहुत मजबूत है, और वो घर वापस आ जाता है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए देखते रहिए मिस टॉयलेट एंटरटेनमेंट को।